आउज़बलत बसम्रिम्स नाज़री मैं आपकी अल्लाम नाज्रीन मैं बेनिर प्रोग्राम वीक हिदायत में आपकी खदमत में खुश आमदी करती हूँ बस शुक्रिया नाजरीन जैसे कि आपको हमारे फॉर्मेट काल है हमारे प्रोग्राम के अंदर हम कुछ वीडियोज़ कुछ तस्वीरें कुछ क्लिप्स वगैरह जो है वो मुहैया करते हैं आपके लिए ताकि ये जो बाकायदा हम इसके ऊपर गुजशत कई माह से मेहनत कर रहे हैं कि जो खवारिज का असल चेहरा है वो लोगों को दिखाया जाए क्योंकि ये हमारे बरदरान अह सुन्नत की सफ़ों में घुस के आ, सदियों से ये अपनी शनाख्त मिटा के और इस्लाम के अंदर फितना बरपा किए हुए थे मगर अलहमद ला रबालमी अब ये कि इनकी चेहरे की शनाख्त हो चुकी है और मजीद इसके ऊपर हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको जो है वो आ, इस पर काम करते रहें और इनके चेहरे को आश्कार करते रहें क्योंकि अब मख्तल अहल सुंदत तनजीमों की जानब से जो है वो वाजे स्टेटमेंट आ चुके हैं कि उन्होंने इनसे इजार बेजारी इज़ार ला तल्ल किया और मख्तलिफ़ो पर मख्तलि प्लेटफॉर्म पर मख्तलिफ निजी पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर बैठ के उन्होंने मुंह दर मुंह यानी फेस टू फेस इनसे इनकार किया कि नहीं आप जो है वो अहल सुन्नत बरदरान का हिस्सा नहीं है तो अभी भी ये चूंकि जहाँ पर आप इनसे अगर कहीं पर डायरेक्टली बात करेंगे तो ये अपने को अहल सुंदत वलजमत ही कहेंगे चूँकि इसे पैसाबा का दूसरा नाम उन्होंने एहल सुनत वज ही रखा हुआ लश्कर झनवी का और इन तमाम तनजीमों का तो ये इसकी इसी के ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं कि इनके चेहरे को मजीद से मज़द जो है वह और आश्कार किया जाए ताकि जो हमारे बरदरान अह सुन्नत हैं जो इनको अहल सुंदत समझ कर अपने बच्चों को इनके हवाले कर देते हैं इनके मदरसों में भेज देते हैं और ये आपकी जो है वो इज़्ज़त भी पामाल कर देते हैं आपका माल और अवाल भी लूट खा सूट के खा जाते हैं इन तमाम चीज़ों से किस तरह बचा जाए जा? इसके ऊपर हम बाकायदा जो है वो गुजशत कई माह से इसके ऊपर काम करते चले आए हैं और आज भी इसी सिलसिले में हमारे पास कुछ वीडियो एक वीडियो कुछ तस्वीर जो है वो मौजूद हैं जिसमें इंटरनेशनली जो कि इनको मार पड़ी है उस हवाले से और जो इनके करतूत है वो सब उसमें वाजे तौर पर दिखाए गए हैं और मदरसों की जो सूरत हाल नाम निहाद मदरसे मदरसा इस्लाम का किला है मैं उसके ऊपर तो बिल्कुल भी जो है वो कोई भी बल्कि कोई भी मुसलमान किसी भी फिर का उसमें उंगली नहीं उठाएगा मगर मदरसों के नाम पर जो मदारस जो खुदकश जैकेटें बनाने में इंजीनियरिंग करा रहे हैं पी एच डी करा रहे हैं उनको जो ये मदरसा कहते हैं जो कि मदारस के नाम पर धब्बा हैं उनकी जो असलियत जो है वो वाजे करने के लिए और उनके अंदर जो कि महत्मे में और जो हरकतें कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए इस पर हमने कुछ तस्वीर भी जो है वो रेडी किए आपके लिए अभी आगे प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ शामिल करेंगे अखबाल मासूमिन सेगमेंट शामिल करेंगे और उमर ज़िंदगी का सेगमेंट शामिल करेंगे तो इन तमाम चीज़ों पर और हाँ आज से हम जो एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम दो आपको मुख्तलि राए दिखाया करेंगे एक इलाह आवाज़ हुआ करेगी जो कि यानी अकूब और भाईचारे की जो आवाज़ है वो इलाही आवाज़ है यानी जो रद्द फितना के लिए है जो लोग चाहे वो शियों की तरफ से हो चाहे अहल सुन्नत बरदरान की तरफ से हो जो कि लोगों को अखवत का दर्ज दे रही है बुला रही है भाईचारे का दर्ज दे रही है इख्तलाफ बहर तमाम फिरकों के अंदर बुनियादी अख्तिलाफ़ मौजूद हैं मगर उनको नज़रअाज़ करके जो कि एक मुसलमान होने की हैसियत से एक इस्लाम होने की सबका एक दीन इस्लाम होने की हैसियत से जो अख़ुवत और भाईचारे का दर्ज दे रही है उसको इलाही आवाज़ गिरदाना जाएगा और जो फितना भड़का रही है और जो शर फैला रही है उसको शैतानी आवाज जो है वो कहा जाएगा तो हम आपको जो है अभी कुछ प्रोग्रामों में आइंदा आने वालों में भी आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं कुछ क्लिप्स दिखाए करेंगे एक इलाही आवाज़ और एक शैतानी आवाज़ उसके साथ ताकि आपको बाखूबी जो है वो अंदाजा हो सके कि कौन लोग फितना फैला रहे हैं उम्मत के अंदर और कौन अखूत तो और भाईचारे का दस दे रहे तो हम चलेंगे अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट अखवाले मासुमीन की तरफ शुक्रिया मौसम जी नाजरीन आज जिन जिस मासूमी मासूम के मैंने अकवाल मासूमी इकट्ठे किए हैं उस जात का नाम है जनाब फ़ातिमा जहरा जैसे कि आप सब जानते हैं कि या या में फातिमा चल रहा है और जिनाब फ़ातिमा जहरा की अभी शहादत गुजरी है तो मैंने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी इस बीबी के कहे हुए अकवाल से अपनी ज़िंदगी के अंदर नूर पैदा करें तो आइए देखें कि इन इस बीवी ने हमारी जिंदगीों के लिए क्या नसीहत की है क्योंकि ये वो बीवी -बी हैं कि, कि जिनको जनाब रसूल खुदा ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा और ये वो बीवी -बी हैं कि जनाब रसूल खुदा जिनके लिए जिनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे आइए वो बीवी -बी फरमाती हैं कि हज़रत फातिमा ज़रा फरमाती हैं कि अगर कोई शख्स अपने अंदर तकबर महसूस करे तो उसे चाहिए कि अपने नौकरों और ग़ुलामों के साथ बैठ खाना खाए अशिया पेज तीन कितना बेहतरीन कॉल है कि अगर हमें ये लगे कि हमारे अंदर तकबर पैदा हो रहा है अगर हमें ये लगे कि हमारे अंदर गरूर पैदा हो रहा है तो हमें अपने नौकरों के साथ क्योंकि वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ हैं लेकिन हैसियत में शायद आपसे कम है इसीलिए वो आपके घर के नौकर हैं हमें जब भी महसूस हो कि हमारे अंदर तकबर पैदा हो रहा है हमें अपने नौकरों के साथ और ग़ुलामों के साथ और कनीज़ों के साथ बैठ कर खाना खाना चाहिए कि और इससे हमारे अंदर जो तकबर है वो ख़त्म हो जाएगा अल्लाह ऊपर बेहतर बेहतरीन कॉल था मेरी मासूमा का आगे मेरी मासूमा फरमाती हैं कि तकबर की जिंदगी को दिल से दूर करने का बेहतरीन वसीला नमाज है अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी बात कही गई है कि अगर अपने अंदर से आपने तकबर को मिटाना है तो अल्लाह के अल्लाह के आगे सजदे में गिर जाओ क्योंकि अल्लाह के आगे जब आप सजदे में गिरेंगे और ख़ास तौर से हम अहल तशी अपने आगे सजदगा सजदगा रखते हैं जो कि खाख से बनी होती है तो हमें यह मैं और रखने का मकसद भी यही है कि उस खाक के ऊपर जब हम सजदा करते हैं तो हम अपने आप को ये महसूस दिला करवाते हैं कि हमारा हम बिल्कुल हकीर हैं उस खा खाक पे सजदा करने से हमें ये महसूस होता है कि एक दिन आएगा जब हम इसी खाक में मिल जाएंगे तो बेहतरीन तरीका अपने तकबर को ख़त्म करने का नमाज है और जनाब फ़ातिमा जहरा की सबसे बेहतरीन जो मुझे इस पूरे मैंने जो अकाल मैंने इकट्ठे किए उसमें सबसे बेहतरीन जो मुझे ये कॉल लगा वो ये है कि औरत की बेपर्दगी मर्द की बेहयाई का सबूत है अल्लाह अकबर कितना बेहतरीन कॉल है कि अगर एक मर्द चाहे तो अपनी औरत को चाहे वो औरत उसकी माँ हो चाहे बहन हो चाहे बेटी हो और चाहे बीवी हो अगर चाहे तो अपनी अपनी घर की औरतों को बापर्दा होने का हुक्म दे सकता है क्योंकि अल्लाह ने उसको इतना इतना बुलंद किया है औरत से तो अगर आपकी बहन मेरे उन भाइयों से उन मर्दों से इल्तज़ा है कि अगर आपकी बहन आपकी बीवी आपकी माँ आपकी बेटी बेपर्दा है तो आपको एहसन तरीके से उनको समझाना चाहिए उनको बताना चाहिए कि हम उस बीवी के मानने वाले हैं कि जिन जो बीबी कभी बेपर्दा नहीं हुई उन बीवी के मानने वाले हैं कि जिन जो जनाब फ़ातिमा ज़रा या अगर सर जर से ज़रा सी भी रिदा उनके हट गई तो सूरज वरूब हो गया, सूरज पर गहन लग गया तो हम उन बीबी के मानने वाले हैं और हम उन उनकी और उन बीबी के मानने वाले हैं जो जनाब फ़ातिमा जहरा की बेटी सानिया जहरा कि जिन्होंने पर्दे का हुक्म हर हर मौके पर दिया हर हर मोड़ पर दिया तो अगर हम उनके मसायब सुन के अफसोस करते हैं और रोते हैं लेकिन उनकी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते तो उस अफसोस का क्या फ़ायदा और आगे मेरे बीवी फरमाती हैं जिस तरह मोती के लिए सदफ़ और जवाहरात के लिए संदूक ज़रूरी है उसी तरह औरत के लिए पर्दा ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन कॉल है कि अगर औरत अपने आप को बहुत कीमती समझती है तो वो ज़रूर पर्दा करेगी क्योंकि हर कीमती चीज़ संदूक में होती है हर कीमती चीज़ पर्दे में होती है और सबसे आखिर में मेरी बीवी का कॉल है कि अगर तुम्हारे घर कोई मोमिन आए और भूखा चला जाए तो गोया वो किसी कब्रिस्तान में आया था तो यहाँ पर बीबी हमें एक मेहमान नवाजी का गुड़ सिखाती हैं और बताती हैं कि चाहे तुम जितने मर्ज़ी ग़रीब हो या अमीर हो अपनी हैसियत के मुताबिक अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी कॉल मैंने यहाँ पर अपनी बीवी के हैं हम मैं और आप कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में उनको बामल बना सकें शुक्रिया बहुत खूबसूरत अखवाल मासूमिन थे जो सिस्टर बेनजीर आपकी समातों की नज़र फरमा रही थी और अब इसी के साथ प्रोग्राम में टाइम हुआ जाता है कुछ इंटरनेशनल खबरों का तो सबसे पहले चलेंगे इराक इराक़ के सूबे करकूक में मुतद जो है वह दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं और इराक़ से ही है कि तीन धमाके तीन धमाके हुए हैं जिसमें मुतद जो है वह जहाँ बहाग भी हो गए हैं और हलब में दहशतगर्दों की कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया है और यूरोपीय यूनियन कह रही है कि रूस पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी इराकी सूबे सलाउद्दीन में दाइश को शिकस्त संगीन जो है वो शिकस्त हुई है जैसा कि आप अभी इंटरनेशनल मीडिया पर मुनाजा फरमा रहे हैं कि तकरीर के ऊपर जो कि हमला चारों तरफ से है वो सूबे सलाउद्दीन को जो है वो बिल्कुल दहशत गर्दों से साफ करने की एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो रजाकारार इराकी आर्मी के साथ शाना बशाना लड़ रहे हैं जिसमें कि कल एक बहुत बड़ी फ़तः जो जिसको फ़तेह मुबीन कहा जा रहा है क्योंकि अब तकरीर को चारों तरफ से जो है वो दाइश के भागने का रास्ता बंद कर दिया गया है और अब दाइश के दहशत गर्द अपने मजमूम जो है वो मंतिल अंजाम को पहुँचने वाले हैं जो उन्होंने वहाँ किया क्योंकि अभी उन्होंने पिछले वीक में दो तीन दिन पुरानी ही खबर है चूंकि हम पूरे एक वीकेंड पर एक प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम पूरे हफ्ते से जो है वह खबरें जमा करके आपको देते हैं उसमें करंट खबरें भी होती हैं और कुछ पिछले हफ्तों की भी पिछले हफ्ते की भी खबरें होती हैं चंद दिनों पहले की भी जो इस प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं तो अभी इन्होंने एक जिस तरह से इन्होंने भयानक जराइम किए जैसे कि लोगों के सर काटे लोगों के सरों को देगों में उबाला लोगों को बहुत ऊंचे मीनारों से बिल्डिंगों से उछाल दिया लोगों को ज़िंदा दरगोर किया लोगों को ज़िबा किया ये सब आप देखते रहें ये तमाम जो जनाइयात हैं ये तमाम जो बारबेरियन एक्ट है ये होते होते एक और ऐसा वाक़ पेश आया जो कि अभी तक ये नहीं हुआ था जिसमें कि इन्होंने एक एक शख्स को ज़िबा करके उसका गोश्त उसकी माँ को खिला दिया ज़बरदस्ती ये वो ऐसे तारीख़ के बदतरीन तारीख के ये बदतरीन जो है वो जराइम है जो कि दाइश ने सर अंजाम दिए हैं और अब दाइश जो है वो खुदा की पकड़ में है और तकरीर से इनके भागने का रास्ता बंद हो गया क्योंकि शहर अदौर अदौर के ऊपर जो है वो तमाम मुसलमान मलेशिया शिया सुन्नी मुशतर कार्रवाई में उन्होंने उसको फ़ताह किया और दाइश का झंडा सर हुआ और वह इराकी परचम लहरा गया और इनकी नाम नहाद दौलत इस्लामिया जो थी जो कि उसको वहाँ पर हजमियत का निशान बन गई और एक निशान इबरत बन गई और बाद किलप्स मैंने देखा कि उन्होंने जो बाज़ दहशतगर्द हैं नामी गिरामी जिनको जो जो हाथों कतल हुए उनको उन्होंने उल्टा टांगा हुआ है वहाँ चौराहों में और लाशों के ढेर लगे तकरीर पर यह मोमिन के लिए मुस्लिम के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है किस तरह से इराक में हमारे बरदरान उनके घरों को उनके नफूस को उनकी औरतों को, उनके को लूटा था उनको पामाल किया था तो जब इराकी लश्कर दाखिल हुआ है आप मुख्तलिफ क्लिप्स में देख सकते हैं सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं कि जिस वक्त वहां पर इराकी आर्मी और कुछ शिया मलेशिया और अहल सुंदत मलेशिया दाखिल हुई हैं तो उन लोगों ने किस तरह वालेना इस्कबाल किया है क्योंकि वह समझ रहे थे कि ये इससे पहले वो धोखा खा गए थे और उन्होंने इनको वेलकम किया था और वो समझ रहे कोई खिलाफत कोई आइडियल होगी इसमें उनको जो कि और सहूलतें मिलेंगी मगर वो एक ऐसे अंजाम से बेचारे दोचार हुए कि उसमें वो अपनी इज़्ज़तें तक नहीं बचा पाए वहाँ के तमाम कॉलेज आशार कदीमा वहाँ की मस्जिदें वहाँ के हुसैनियात वहाँ के मदरसे वहाँ के जितने भी उनकी हेरिटेज थी जितना भी वो चीज़ें थीं वो सब दाइश के हाथों तबाह हुई यहाँ तक के अंबिया के आपनेब्बे देखे किस तरह से धमाके से उड़ाए गए वो भी कुरान पढ़ पढ़ के और नारे तकबीर लगा लगा के तमाम काम हुए हमने अपने प्रोग्राम में गुजतः दिखाया कि एक मस्जिद के अंदर वहाँ पर ये खुशी मना रहे हैं डांस कर रहे हैं मुसलमानों को आग लगा दी फिर एक जगह पर हमने देखा कि बहुत सारी किताब जिसके अंदर कुरान करीम के नुस्खे भी थे उनको जलाया जा रहा है और सैदना कायदना मोहम्मद कह के, के नारे लगाए जा रहे हैं और काम किया जा रहा है कि जो जो किताब उसी नबी के कल्बे अथर पर नाजुल हुई थी उसको ज़मीन पर रखकर आग लगाई जा रही है और उसके साथ मुख्तलिफ कि हदीस की और शराह की किताबें थी उनको मस्जिद में और क्या होगा वज़ायफ की किताबें होंगी उनको आग लगाई गई क्योंकि मस्जिद के अंदर मुख्तलिफ और कोई डायजेस्ट वगैरह तो नहीं होगी क्योंकि जो भी होंगी बहरहाल अल्लाह और रसूल से मुनसलिक किताबें ही होंगी चाहे वो किसी भी फ़िरक़े की हों नाम ख़ुदा नाम रसूल तो मोतबर हमेशा ही रहेगा तो उसको उन्होंने वो रोड पर रखे लगाई हम तमाम चीज़ें जो है आपको दिखाते चले आए हैं तो ये तमाम चीज़ें थी वो अपने मनती अंजाम को पहुँचने वाले हैं क्योंकि तकरीद से उनके भागने के लिए अब जो है वो रास्ता बंद हो गया और इराक़ के शहर नमरूद में दाइश के हाथों आसार कदीमा की तबाही हुई है शाम में जहतुल के कमांडरों की हलाकत हुई है एक बहुत बड़ी है शाम में नसरा के ऊपर सीरियन आर्मी का कामयाब जो है वो वारद की उन्होंने कामयाब ऑपरेशन किया है जिसमें इनके सरपरस्त आला और बहुत ही बड़े बड़े कमांडर्स जो है नसरा के दाइश सीरियन आर्मी के हाथों तहतीक हो गए हैं और शाम के बहरान के हल में ईरान का किरदार खलीदी है और सऊदी सऊदी हुकूमत तीस हज़ार फलसतनी घर तबाह करने का मनसूबा बना रही है यमन में सबक सदर की साजिशें है, जारी हैं और कदर और सऊदी अरब मसाइल खड़े कर रहे हैं ये कह रहे हैं शेख सलाउद्दीन और ये तमाम अभी आगे डिस्कस होगा और नैनतन और आगे और ख़बरों पर जो है वह फोकस करते हैं कि नैनतन याहू को अपने मुतालबात नैतन याहू ईरान को अपने मुतालबात मनवाने मनवाने के ऊपर मजबूर नहीं कर सकते ये कह रहे हैं खतीब जुमा तहरान मुजात पाबंदियों के खात्मे से नतीजा बख्श हो सकते हैं सूबे सलाउद्दीन में फ़ौजी ऑपरेशन जारी मुत इलाके आज़ाद जैसा कि अभी हमने आपको तमाम खबरें दी किस किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है और किस तरह फौजी वहाँ पहुँच रही हैं और रोज़ाकार दस्ते मुस्तकिल वहाँ पर पहुँच रहे हैं जिसमें बुज़ुर्ग उलमा और सलिहन तक आप देख सकते हैं कि वह नजफ अशरफ से किस तरह से हाथों में हथियार लेके और अपनी इराक की एक एक, एक इंच ज़मीन के दिफा के लिए जो है वो कफन ब्रस्ता वहाँ खड़े हैं और देखा जा सकता है ये तमाम मीडिया इस वक्त कवरेज भी मतलब कहीं देख ही सकते हैं क्योंकि लाख इसको छुपाना चाहें मगर रिपोर्टिंग बहरहाल हो रही है सोशल मीडिया पर तो बायदा लोग वीडियो किलप जो अपलोड कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं और शाम के अमूर में अको मतदा के खसूस नुमाइंदे ने जाके बयान दिया है तलाबलस के हवाई अड्डे पर लिबिया के जंगी तैयारों का हमला बगदाद बम धमाका सात अफ़रा जहाँ बाग जॉन कैरी एडमी माहदे पर सऊदी अरब की तशवीश को दूर करने के लिए कोशां तुर्की के जंगी तैयारे के दो हवाबाजों की हलाकत और सी एन एन के साथ ईरानी वजी खारजा का खसूस इंटरव्यू तो ये तो तमाम चीज़ें हैं कि वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि ईरान की आज जितनी कामयाबी हैं उनके पीछे आयतुल्ला खामनाई के नभूक और उनकी बेपना सलायतियों का हाथ है ये तो थी नाजरीन खास खास ख़बरें और इन्हीं खबरों को लेकर जो है उन प्रोग्राम में कुछ तस्वीरें हैं कुछ वीडियोस हैं ये तमाम चीज़ें कुछ वीडियों, एक वीडियो है और कुछ तस्वीरें तमाम लेकर इसके ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान में भी बात करेंगे पाकिस्तान के जो मदरसे नाम नहाद मदारस हैं उन मदारस मेरी आँखों के सरकत आज हैं मगर मगर जो है जो नाम नहाद नाम नहाद जो चीज़ें हैं जिसको वरसे कहते हैं नाम नहाद जो कि चौधरी निसार कह चुके हैं कि 10 परसेंट मदरसे दहशत गर्दी में मुलवस हैं मगर आज तक उन्होंने उस 10 दस, दस परसेंट मदरसों की डिटेल नहीं दी तो उनसे जो जरा उसकी वजह से जो जराइम के लोग इरतक कर रहे हैं उन पर बैंड नहीं लगा बंदिश नहीं लगी तो उन तमाम चीज़ों को हम आज दिखाएंगे एक मुख्तर सा हमारे पास जो है एक सैगमेंट है हम सेगमेंट करेंगे फिर ब्रेक पर जाएंगे ब्रेक से वापस अगर हम इन तमाम चीज़ों को आपकी नजर करेंगे तो हम चलेंगे अपने सेगमेंट अमूर ज़िंदगी की तरफ जी शुक्रिया जी नाजरीन आज का आ, इस सेगमेंट में मैंने जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने का फ़ैसला किया है वो शख्सियत हमारे चौथे इमाम इमाम अलैहिस्सलाम है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मुल्कों में आज पंद्रह जमादुल अवल है और कुछ मुल्कों में आ, कल था तो पंद्रह जमादुल अव्वल को इ, आ, हमारे इस इमाम की विलादत मुबारक है हमारे इस मैं चाहती हूँ कि इन इमाम के बारे में थोड़ा सा अपने नाजरन को बताऊँ क्योंकि अफसोस की बात यह है कि हमारे इस इमाम की जिंदगी पर जितनी भी रोशनी डाली जाए उतनी कम है और जितनी भी हम इन इमाम की ज़िंदगी पर जितनी रोशनी डालनी चाहिए उतनी हम नहीं डाल पाए हैं इसलिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जिन नाजरीन को जिस जितने मेरे देखने वाले नाजरीन हैं जिन उनको मैं थोड़ा बहुत अपने इमाम की ज़िंदगी के बारे में बता सकूं तो आइए इन देखते हैं कि इन इमाम की ज़िंदगी को हम थोड़ा सा मुताल करते हैं हमारे इस इमाम की विलादत सदादत मुबारक पंद्रह जमात अव्वल अठत्तीस हिजरा में हुई थर्टी एट आफ्टर हिजरा और हमारे इस इमाम की शहादत पच्चीस मुहर्रम नाइन्टी फाइव हिजरा में हुई और यहाँ इन जैसे कि आप जानते कि हमारे चौथे इमाम हैं और हमारे इमाम जानूल्दीम के वालद हज़रत इमाम हुसैन आलाम थे और इनकी मादर ग्रामी का नाम जहाँ पर मिलता है हमें शाह जनान है और उर्दू में हम लोग इनको शहर बानो भी कहते हैं ये प्रिंस थी प्रिंसेस थी परजिया की ये ये पर्शिया के किंग की बेटी थी और जनाब हज़रत इमामसैनलादीन आई स्लम की मादरी गिरामी थी अगर आप देखें तो इस इमाम ने जितना भी इस्लाम को दिया है वो बहुत ज़्यादा है लेकिन हम लोग उस चीज़ को इतना महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन आलाम की शहादत के बाद अगर देखा जाए तो इस्लाम को अगर ज़िंदा रखा है तो हमारे इस इमाम ने रखा है इस इमाम की कुरबानियाँ हैं कि जि, जिन्होंने हमारे इस्लाम को जिंदा रखा और अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा देखें तो कहते हैं कि हमारे इमाम अलैहिस्सलाम जब मदीने वापस आ गए तो इमाम आ, इमाम ने क्या किया कि आ, बहुत सारे बहुत सारे गुलाम ख़रीदे और ग़ुलामों को हिदायत किया करते थे कि शाम के वक्त मदीने के घरों में जाओ और जाने के बाद जितना भी हो सके अहले बैत के बारे में बताओ तो एक एक ये खूबी थी एक ये सलाहियत थी एक ये काविश थी कि अपने गुलामों को हिदायत देते दे थे कि जाकर अप जाकर हमारे जद के बारे में लोगों को बताओ और उनकी कुर्बानियों के बारे में बताओ और जब ग़ुलाम वापस आते थे तो मौला पूछा करते थे कि क्या कुछ तुम्हें फ़ायदा हुआ जब तुमने बताया तो ग़ुलाम आकर कहते थे कि नहीं मौला कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जो लोग हैं वो सुनना नहीं चाहते थे तो मौला कहते थे कि क्यों नहीं सुनना चाहते थे कहा कि मौला क्योंकि वो जिस जिस जहाँ पर भी मैं जाता था उस घर के बुज़ुर्ग हमें देख ही दरवाजे बंद कर लेते थे तो मौला कहते थे कि नहीं बुज़ुर्गों को मत बताओ उनके यूथ को बताओ तो यहाँ से मैं समझती हूँ कि हम एक Ik, ab, ab, ik um मिसाल है एक तरह देखा जाए क्योंकि आज का जो यूथ है यहाँ पर मौला बताना चाहते हैं कि जब यूथ होती है जो नई पीढ़ी होती है जवान लोग होते हैं उनके दिल नरम होते हैं अगर उनके अंदर कुछ भी कोई भी चीज़ भी जैसे जैसे नरम मिट्टी होती है उसके अंदर अगर हम कोई फूल उगाना चाहें या कोई पौधा लगाना चाहें तो वो उग जाता है तो मौला कहते हैं कि उन उन जवानों की जो दिल की मिट्टी है वो नरम है उसमें हमारे जद की बातों का जद की कुर्बानियों का बीज डाल दो कि जिस जिससे उन जब वो जिससे वो पौधा में हमारे अहल बैत की मोहब्बत का पौधा उनके अंदर कदावर बन सके तो आगे मौला की मौला ने बहुत सारी हमारी सोसाइटी को बहुत सारी किताबें दी लेकिन जो उनकी दो बहुत ही मखसूस और बहुत ही मकबूल किताबें हैं वो सैफे सज्जा दिया है और मैं समझती हूँ कि हमारे सभी नाज़रीन के घरों में सही फ़ेस्तियाँ ज़रूर होगी और रसालतलूक़ ज़रूर होगी क्योंकि ये वो दो किताबें हैं कि इतनी बेहतरीन किताबें हैं कि अगर कोई गैर गैर मुसलमान भी इन किताबों को पढ़े तो पढ़कर हैरान हो जाता है एक स्कॉलर का कहना है कि जब मैं रोम गया और जाने के बाद मैंने पोप की लाइब्रेरी में ऐसे ही देखने गया और जाने के बाद जब मैंने पोप की लाइब्रेरी में विज़िट किया उन जाकर जा देखा कि मतलब उसकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं तो मैं देखकर हैरान हो गया कि उस पोप की लाइब्रेरी में सहीफ़ा सज्जादिया थी तो उसने वहाँ पर जो पोप के असट्टेंट थे जो वहाँ उनके सलाहकार थे उनसे पूछा कि ये तो ये तो मुसलमानों की किताब है यहाँ पर क्या कर रही है तो उसने कहा कि हमारे पोप का ये कहना है कि सहीफ़ा सजादिया से ज़्यादा बेहतरीन किताब मैंने कोई नहीं देखी क्योंकि इसमें अल्लाह से बंदा इस तरह बात कर रहा है कि जैसे बच्चा अपनी माँ से गिड़गिड़ा कर कोई चीज़ मांगता है और उसने कहा कि हमारे पोप का कहना है कि जनाब दाऊद के बाद अगर हम किसी किताब को इज्जत देते हैं तो ये किताब जनाब दाऊद के बाद बेहतरीन किताब है मतलब ज़बूर के बाद ये बेहतरीन किताब है तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास भी इतनी बेहतरीन किताब है कि हम इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इसमें वो वो दुआएं हैं कि अगर अल्लाह से मांगी जाए अल्लाह से पढ़कर दुआ की जाए तो मुझे नहीं लगता कि परवरदिगार आलम हमारी किसी दुआ को रद्द करेगा इतनी बेहतरीन दुआओं की किताब है और मैंने एक जगह और पढ़ा था के आज से पचास साल पहले इरा ईरान में सईफ सज्जादिया की कॉपी करके उनको डिफ़रेंट डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ज़ुबानों में हर कंट्री के मदर हर कंट्री में दिया गया जैसे मतलब हिंदुओं के पंडित को दिया गया सिखों में दिया गया पादरी को दिया गया और जो ये यहूदियों के रवाई को दिया गया उन्होंने कहा जिसको भी हमने ये किताब दी उनसे कहा कि आप इस किताब को पढ़िए और पढ़ने के बाद हमको बताइए कि आप इस किताब के बारे में क्या समझते हैं उनको दो किताबें दी गई थी एक रिसाल और एक सईफ एसा तो कहते हैं कि जिन जिनको भी किताबें दी गई तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं लेकिन जिस शख्स ने भी ये किताब लिखी है उसको रबूबियत की इतनी ज्यादा नॉलेज है कि उससे बेहतरीन मुझे कोई इंसान नहीं मिला मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि अगर आप रिसालत हकूक़ देखें तो, देखे, तो मौला ने किन किन के हकूक़ बयान किए मौला ने यहाँ तक के कहा कि नौकरों के हकूक़ मोजन के हकूक़ माँ बाप के हकूक़ ये सब तो हकूक़ हमें पता है उन्होंने कहा कि आपके अपने आज़ा जो आपके जिसम के हैं, उनके भी हकूक़ हैं आपके हाथों के क्या हकूक़ हैं आपकी आँखों के क्या हकूक़ हैं आपके कानों के क्या हकूक़ हैं तो मतलब इतनी बेहतरीन किताब है कि मौला ने हर हर चीज़ के बारे में बताया ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मौला ने नहीं बताया अपनी किताब में और सबसे बेहतरीन उसके अंदर क्या है मकामर अखलाक दुआ इतनी बेहतरीन दुआ कि अगर उन इंसान उसका तर्जुमा पढ़े तो उन इंसान मैं समझती हूँ कि कभी सज्जे से सर ना उठाएँ और आगे मौला की एक मैं सिर्फ मिसाल देना चाहूँगी कि मौला अपने नौकरों के साथ किस तरह पेश आते थे जैसे मैंने जनाब सै के जो अकवाल पढ़े थे वो सारे ये थे कि अगर आपके दिल में तकबर हो तो आप अपने नौकरों के साथ बैठ कर खाना खाएँ आइए उसी पोते का एक छोटा सा वाक़ा बताकर मैं इस अबूरे ज़िंदगी सेगमेंट को ख़त्म कर रही हूँ सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उन्हीं के पोते का अपने नौकरों के साथ क्या रवैया था कहते हैं कि मौला जब अपने नौकरों को आवाज़ देते थे तो इस तरह आवाज़ देते थे कि नौकर पहली आवाज में नहीं आते थे मौला ने एक बार अपने नौकर को आवाज दी अपने गुलाम को आवाज दी और वो गुलाम ने पहली आवाज में नहीं आया जब मौला ने उसको तीन आवाजें दी वो फिर भी नहीं आया तो मौला ने फिर दोबारा चौथी आवाज दी जब वो आ गया तो मौला ने पूछा कि ए गुलाम क्या तुमने मेरी पहली बार आवाज़ नहीं सुनी कहा नहीं मौला मैंने पहली बार ही आपकी बाखूबी आवाज़ सुन ली थी लेकिन मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं आप जब आप मुझे इतने प्यार से पुकार रहे थे मैं उसको महसूस करना चाहता था देखें अगर हम अपने नौकर को या अपने ग़ुलाम को या अपनी कनीज़ को एक बार बुलाएं और वो ना आए तो हमारा क्या रवैया होता है जब वो आए तो हम गु़स्से में शदीद गुस्से में होंगे लेकिन मौला जब वो चौथी बार मौला ने उसको बुलाया और वो आया मौला ने उसे पूछा तुम ठीक हो क्योंकि जब मैंने पहली बार बुलाया तुम नहीं आए तो मौला का यहाँ अखलाक बताता है कि मेरा मौला कितने ए, मेरा मौला नौकरों के साथ भी किस तरह आ, किस तरह अखलाक से पेश आता था तो यहाँ पर हमारे हर इमाम का अगर आप ज़िंदगी देखें तो हर इमाम की ज़िंदगी में हमें कुछ ना कुछ सीखने में मिलता है लेकिन इस इमाम की ज़िंदगी में इतना कुछ है सीखने के लिए अखलाक है रबूबियत है इबादत है कि हम हर अगर हम एक एक भी एक एक चीज़ भी अपने इमाम से सीखना चाहें तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है इतने से छोटे से टाइम में मैं जितना भी बयान कर सकती थी मैंने किया है लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि नाजरीन को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम चाहिए कि हम अपने इमामों की जिंदगी में रोशनी डाल इमामों की ज़िंदगी को देखें और देखें कि हम उसमें उसमें से क्या हासिल कर सकते हैं और कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी को बामल बनाएं बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन तो आप देख रहे थे कि आ, कितने खूबसूरत जो है वो अखबाल जो है वो सिस्टर ने शेयर किए हैं और इसमें मकारा में अखलाक की और अख्लाक की जो गुफ्तु है किस आला नहज के ऊपर है क्योंकि इमाम ने अपनी सीरत से लोगों को ये बताने की दावत दी है कि वो आ, मतलब इसका क्या दर्जात हैं और किस तरह से वो जो वो एक मनसब है और किस तरह अपने कल्ब के अंदर जो है वो नूर पैदा कर सकता है इंसान इन तमाम चीज़ों पर अमल करके और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बाकायदा पाबंदी से अमल पैरा होकर वो अपने जो शख्सियत को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है तो इसी के साथ जो है वह हमारे पास एक मख्तर सी ब्रेक का टाइम हुआ जाता है ब्रेक से वापस आएँगे तो कुछ तस्वीरें हैं वीडियो हैं लाइव कॉल्स खोलेंगे आपकी भी राय लेंगे तो चलते हैं एक मख्तर सी ब्रेक पर